शिमला के आईजीएमसी में गत दिनों सरकाघाट के कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो गई थी। अब युवक की मां की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि महिला को मशोबरा में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले महिला आईजीएमसी शिमला के आइसोलेशन वार्ड में थी। कल लगभग 90 के करीब सैंपल थे, कुछ बिलासपुर से थे, बिलासपुर जिले से थे और कुछ शिमला जिले से थे। सभी सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है और मात्र एक सैंपल जो प्रीवियस पेशेंट की जो मदर थी उनके अंदर वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई। देखिए, ऐसा पहले हम बताना चाहेंगे सबसे पहले कि कोरोना पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका नोटिफिकेशन करना ये हमारी ड्यूटी बाउंड है, ये हम इसके लिए बाध्य हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मरीज पॉजिटिव आएगा तो हम छुपा लेंगे या किसी को बताएंगे नहीं, तो कृपया करके ऐसा नहीं है। बेकार की जो इस तरह की अफवाहें हैं उसको लोग ना फैलाएं। और इस वक्त ऐसे कई जगह ऐसी रिपोर्टिंग होती है, ऐसा पता लगता है कि सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे संक्रमित व्यक्ति हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, तो कृपया करके इस तरह के काम ना करें। सबको विदित होगा ये एक एपिडेमिक पैंडेमिक ग्लोबल पैंडेमिक है और इसमें एक भारत सरकार ने एपिडेमिक एक्ट को भी लागू किया है। इसमें इस तरह की अफवाह फैलाना, इस तरह की गलत सूचना डालना जो है वो दंडनीय अपराध है, तो कृपया करके ऐसी हरकतों से बचें, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह व्यवहार करें ताकि हम सब लोग एक दूसरे में सहयोग की भावना पैदा करें। ना कि ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।